हमारे संविधान का निर्माण दशकों के संघर्ष का नतीजा है। यह संघर्ष महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। उससे प्रेरणा लेते हुए समाज के हर वर्ग से करोड़ों लोग देश की स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर संघर्ष किए, देश को आजाद कराया। संविधान लिखे जाने में लगभग 3 वर्ष लगे थे। इस पर बहुत गंभीर और विशद चर्चा हुई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं ने संविधान के प्रारूप को संविधान सभा के सामने पेश किया था। उन्होंने संविधान की सभी मुख्य धाराओं और प्रावधानों की पृष्ठभूमि, इसके उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला और संविधान में निहित दर्शन की विस्तृत व्याख्या की। 26 नवंबर 1949 की सुबह जब संविधान का प्रारूप औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा करते हुए कहा था, उन्हें प्रारूप समिति में रखने और इसका अध्यक्ष बनाने से बेहतर और सही फैसला हो ही नहीं सकता था। उन्होंने न केवल अपने चयन के साथ न्याय किया है, बल्कि उसे अलौकिक भी किया है। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान प्रस्ताव पेश करते समय अपने समापन भाषण में क्या कहा था, इन्हीं के शब्दों में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना। समिति में मुझसे बढ़े, मुझसे बेहतर, मुझसे अधिक सक्षम लोग थे। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही कमाल था। संविधान सभा में संविधान को हर धारा और हर संशोधन के बारे में निश्चित जानकारी के साथ प्रस्तुत कर सकी। इसीलिए संविधान सभा के समक्ष संविधान के प्रारूप को अवध रूप से प्रस्तुत किए जाने के समस्त श्रेय पर कांग्रेस पार्टी का हक बनता। प्लीज प्लीज, ये हिस्ट्री है, इतिहास है। क्या कुछ आपत्ति है? यह बात आमतौर से भुला दी जाती है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अनोखी प्रतिभा और क्षमता को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी ही उन्हें संविधान सभा में लाई थी। ये भी इतिहास है। इतिहास है। Nothing will go on record. Please, क्या हो रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। Please, nothing will go on record.
only doctor, yes. Dr. B.R. Really? Ambedkar. Please. Dr. B.R. Ambedkar, America, Britain और जर्मनी में पॉलिटिकल थियरी और अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और वे अपने क्षेत्र में बेजोड़ थे। जब जब वे भारत लौटे तो उनका एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद था, अनुसूचित जातियों और पक्षपात पीड़ित समुदायों के सम्मान के लिए संघर्ष, उन्हें आवाज देने के लिए संघर्ष और उनके लिए राजनीतिक सत्ता के अवसर संभव करने के लिए संघर्ष। अध्यक्ष महोदया, जिस शानदार संविधान का हम सब सम्मान करते हैं, जिसकी रक्षा की हम शपथ लेकर संसद में प्रवेश करते हैं, उस पर ऐसे बेहतरीन दिमागों और महान आत्माओं की छाप है जैसा कि संसार में कभी कभी ही जन्म लेती है। हमारे संविधान में, हमारे संविधान का इतिहास लंबा और अनिवार्य रूप से स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इतिहास से भी यह आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए मार्च 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव तैयार करके उसे पारित कराया था। हमारे संविधान में खासकर सामाजिक न्याय और महिला समानता संबंधी प्रावधानों में इस प्रस्ताव का व्यापक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संविधान सभा को कदम कदम पर ऐसे चार लोगों का मार्गदर्शन मिला जिनकी व्यापक प्रतिष्ठा थी और जिन्हें सभी का आदर प्राप्त था। ये थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद। संविधान सभा की आठ प्रमुख समितियां थी। इनके अध्यक्ष या तो नेहरू थे, या तो सरदार पटेल, या तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलाना आजाद इनमें से पांच समितियों के प्रमुख सदस्य थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। संविधान अद्भुत रूप से लचीला साबित हुआ है। इसमें 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश बदलती परिस्थितियों और उभरती चुनौतियों के नतीजे रहे। लेकिन यह निर्विवाद है कि संविधान ने हमारे समाज के कमजोर तबकों को भागीदारी और गौरव का एहसास दिया है। यह निर्विवाद है कि हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है और ये भी निर्विवाद है कि संविधान ने हमारे लोकतंत्र का को अधिक रिप्रेजेंटेटिव और शासन को अधिक जवाबदेह बनाया है।